connected and members of the BECC. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Is khar ke zameer mein ho aaj ke janab, is khar ke zameer mein privatization kya hamara role kyon kyon hai? Do char minute mein I will try to conclude it. Unbundling. हाँ, ऑर्डर को रिवोक चाहते हैं हम, ऑर्डर को रिवोक करना चाहते हैं। मान मकबूल नजार, स्टेट प्रेसिडेंट एम्प्लॉयज यूनियन और पावर। मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान मीर, मैं पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूं। आप गवर्नमेंट, मैं आपका और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी वसादत से मरकजी सरकार और गवर्नर इंतजामिया से और हमने उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्होंने जो वो महकमा बिजली को निजी कार्य में देने का जो फैसला लिया है, तो हमारा ऐलान किया है उसको जल्द अज जल्द वापस लिया जाए, क्योंकि निजी कार्य में पावर महकमे को देने से रियासती आवाम का सिस्टम, रियासती मुलाजमी और रियासती सरकार भी पूरी तरह मुतासिर हो जाएगी, जिसका खामियाजा खासकर यहाँ के मुलाजमी और यहाँ के लोगों को उठाना पड़ेगा। इसलिए हम दोनों सरकारों से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि वो इस फैसले को जल्द अज जल्द वापस ले जाए। बसूरत दीगर कोऑर्डिनेशन कमेटी यहाँ के मुलाजमीन सर, हमारे उनके साथ तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं, इसके खिलाफ जबरदस्त आज एहतजाज और जबरदस्त एक मुहिम चलाएंगे, जिसके लिए सारी जिम्मेदारी यहाँ की गवर्नर इंतजामिया पर होगी और मरकजी सरकार पर होगी, जिन्होंने ऐसा ऐलान किया है जो रियासती आवाम, रियासती सरकार और जो यहाँ के मुलाजमीन के मुखालिफ, अगर उन्होंने इसमें लहकेल करने की कूड़ा लगता है तो जो एम्प्लॉयज और इंजीनियरिंग जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो इससे ज्यादा सख्त देगी और हम अपने आवाम को मुश्किलात में डालने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जो आज की मारामारी है कोविड का मामला है, हम अपने आवाम को कतन तकलीफ नहीं दे, हम काम करना चाहिए, वी आर नॉट हैप्पी टू गो स्ट्राइक, लेकिन हमें गवर्नमेंट मजबूर कर रही है और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इसको फिर वापस लिया जाए और इस महकमे को हम